एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए, साइन सी, कॉस सी. देखिए इस ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल्ड है बी में, इस ट्रायंगल में आपको दो साइड्स गिवन है. साइड एबी इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर एंड साइड बीसी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर. इतनी इंफॉर्मेशन से एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है साइन ए, कॉस ए, और सेकंड सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं साइन सी, कॉस सी. ठीक, अब आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? आपके ध्यान में सबसे पहले ये आना चाहिए जो अननोन साइड है ट्रायंगल का वो निकालना है. व्हाई? बिकॉज आपको पता है साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, साइन के रेशियो में हाइपोटेनस आता है और हाइपोटेनस आपके पास अननोन है. तो सबसे पहला काम है आपका हाइपोटेनस निकालना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. व्हाई? बिकॉज इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट ए सी, विच इज हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to BC square plus AB square. AC आपके पास अननोन है, BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस AB आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर कर दीजिए. नाउ AC square is equal to 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों का सम 625. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग ए सी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट ए सी एज प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर. अब आपको मालूम है ट्रायंगल का साइड माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए ए सी हमको लेना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर. प्लस में नेगेटिव वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे, 25 सेंटीमीटर. सो हमने जो अननोन साइड था ट्रायंगल का वो कैलकुलेट कर लिया. अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया. आपको मालूम है साइन ए या साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस ए अगेन हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस. साइन सी हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. फर्क ये है जब आप साइन ए कॉस ए निकालेंगे तो साइन ए या कॉस ए रेफरेंस एंगल आपका ये है एंगल ए, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर आपका बी सी है, बेस आपका ए बी है. तो परपेंडिकुलर कितना? बी सी विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर. नाउ फॉर कॉस ए बेस कितना आपके पास? एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस है आपका 24 सेंटीमीटर, मतलब साइड ए बी ये 24 पुट कर दिया आपने, एंड हाइपोटेनस एज यूजुअल 25 सेंटीमीटर. नाउ फॉर साइन सी, अब आपका रेफरेंस एंगल ये हो गया एंगल सी, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी परपेंडिकुलर इज दिस साइड ए बी विच इज 24 सेंटीमीटर एंड बेस इज साइड बी सी विच इज 7 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 24, हाइपोटेनस 25. नाउ फॉर कॉस सी बेस आपके पास है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस अगेन 25 सेंटीमीटर. तो ये आपने चारों चीजें निकाल लिया. इस क्वेश्चन का सिर्फ यही क्रक्स था कि आपको पहले अननोन साइड निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और फिर साइन थीटा या कॉस थीटा के रेशियो में जाके आपको साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी कैलकुलेट करना था. कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, आई होप आपको इजी लगा होगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी'd लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.